यहाँ तक गूगल रोड दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक बोर्ड है जिस पे लिखा है प्राइवेट रोड, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट प्रायर परमिशन, टूरिस्ट टैक्सी 150, वैन कार 100, टू व्हीलर्स 50 ओनली। दो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आई थिंक ये प्राइवेट रोड डिमार्केटेड है, इसलिए गूगल रास्ता नहीं दिखा रहा था और कोई, बट मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिया गया, मतलब कोई लेने वाला भी तो है नहीं यहाँ पे चार्जेस। अब इधर से किधर जाना है, इधर ही जाना है। हाँ, मैं सीधा निकल गया था, फिर बाद में यू टर्न करके आके वहाँ एंटर किया था। ये रास्ता फिर भी ठीक ठाक है, वो ऑफ रोड करने के बाद यू वोंट फील दिस रोड एज एन ऑफ रोड। हाँ भाई, टाइम तो लग जाएगा आज, ये रास्ता क्रॉस करके रंगपो पहुँचते पहुँचते ही 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर रंगपो से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं, मैं एक बार मैप लगा लेता हूँ, आई डोंट थिंक कि ऐसे घूमना ठीक रहेगा। भाई गलत रास्ते पे आ गए हम, वो जहाँ से मैंने फर्स्ट यू टर्न लिया वहाँ से यू टर्न लेना नहीं चाहिए था। भैया रंगपो के लिए निकलना है, रंगपो सीधा मेन रोड पे यू टर्न लेना है, नीचे वाला। अच्छा अच्छा, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सही में मैं गलत रास्ते पे आ गया था। हाँ, यहाँ से मैंने यू टर्न लिया था, ये रास्ता छोड़ के मैं आगे निकल गया था। आप सही जा रहे हैं। चलो, मैप्स लगा दिया है, अब ये वाला रास्ता हम दिखा रहा है कि 18 किलोमीटर्स 56 मिनट रोंगपो तक। देखते हैं, मैंने जब रोंगली से आया था रोंगली होके, तब वो वाला रास्ता भी रोंगपो होके रोंगपो तक ही जाता है, लेकिन मैं बीच में से एक ऊपर रेनोक की तरफ ले लिया था। आई होप कि मुझे वापस वही मोड़ तक जाना ना पड़े, क्योंकि वो मोड़ से ऋषि तक 20 किलोमीटर्स था, और अभी यहाँ से रोंगपो तक 18 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो बीच में से कोई अलग सा रास्ता होगा शायद कनेक्ट करने वाला, देखते हैं।
टाइम नाउ इज 10:38 AM। मैं बहुत लेट से निकला आज। लेट से निकलने का कारण है, मैं इतना सुंदर जगह को मिस करना नहीं चाहता था, इसलिए सुबह मैं पूरा एरिया को एक्सप्लोर करने निकला था। आप लोग तो शुरू में वो वाला पार्ट तो देख ही चुके होंगे, एक हिडन वाटरफॉल्स तक गए थे और पूरा रिवर साइड मैं एक्सप्लोर कर रहा था एकदम रिवर के बीच में उतर के। सो दैट वाज ऑसम मोमेंट। रोंगपो पहुंचने के बाद तो रास्ता मालूम ही है उधर से और मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी ये रास्ते थोड़ा सा ही आगे जाके एक सुंदर बड़ा सा पिच रोड पे कनेक्ट हो रहा है। ओके, आई गॉट इट। वो रोंगली वाला रास्ता मैं राइट से आया था और यहाँ मुझे लेफ्ट जाना है दिखा रहा है, तो मतलब ये दूसरा रोड है जो रोंगपो की तरफ कनेक्ट कर रहा है। ओके, यही से मैं इधर से आया था, इधर आके लेफ्ट ले लिया था, लेकिन जब मैं रोंगपो जा रहा हूँ रोंगली के साइड से जब आया था, इधर आया था, इधर से लेफ्ट ले लिया था। अभी मैं रोंगपो जा रहा हूँ तो मुझे उतना घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ही लेफ्ट ले लिया और ये रास्ता शायद रोराथंग होके रोंगपो तक जाता है, इसीलिए डिस्टेंस कम दिखा रहा था। उधर से घूम के जाते तो और भी एक्स्ट्रा 10-15 किलोमीटर लग जाता। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड, यहाँ पे रोडवेज का अच्छा काम चालू है। आई थिंक ये वाला एरिया को ये लोग कट करके इस रोड को सही चौड़ा रोड बनाएगा। यहाँ से फिर से अच्छा रोड, चौड़ा वाला अच्छा रोड। स्पीड लिमिट 20 एंड आई एम ओवर स्पीडिंग नाउ। मतलब यहाँ पे शायद छोटा छोटा पैचेस पे काम हो रहा है, मतलब एक छोटा पैच आ रहा है चौड़ा रास्ता अच्छा रास्ता, फिर एक पैच आ रहा है खराब रास्ता ऐसे टूटा फूटा। देखते हैं आगे क्या क्या सीन रहता है। हाँ, सेम ही कंडीशन है आगे, यहाँ से फिर से देख लो चौड़ा रास्ता, पिच चौड़ा रास्ता और एकदम प्लेन। सो टाइम नाउ इज 10:47 AM और रोंगपो यहाँ से अभी भी 15 किलोमीटर्स बता रहा है, तो क्या हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर ही आ गया है। जा सकते हैं? हाँ, बाइक जाएगा। ओके, सो रोराथंग रोंगपो रोड पकड़ने के बाद तो इट वाज कंप्लीटली ऑफ रोड और मेरा GoPro का बैटरी भी डेड हो गया था। सो नाउ मैंने रोंगपो क्रॉस कर लिया, अभी ऑफिशियली वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुका हूँ। दिस इज द ब्रिज, द गेटवे टू सिक्किम एंड दिस इज द रोंगपो चू रिवर जो फाइनली जाके तीस्ता पे मिट करता है। मैं आप लोगों को उस साइड से भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। यस, दिस इज द रिवर। मानसून में तो ये पूरा भर जाता होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी पहाड़ों का मानसून नहीं देखा है। वो
ऑलरेडी इट्स 11:41 AM और मैं सिर्फ रंगपो तक ही पहुंचा हूँ। सिलीगुड़ी यहाँ से एटलीस्ट 1.5 hours to 2 hours तो लगेगा ही, इवन ज़्यादा भी लग सकता है, ट्रैफिक कंडीशन कैसा है उस हिसाब से। सो नाउ दिस इज तिस्ता रिवर जो ये पूरा नीचे तक मेरे साथ जाएगा, कभी मैं इस तरफ रिवर उस तरफ, कभी मैं उस तरफ रिवर इस तरफ, ऐसा करते करते पूरा नीचे तक मेरे साथ जाएगा। फिर शायद सेवॉक से अलग हो जाएंगे हम, सेवॉक से ये अलग रास्ते और हम टूवर्ड सिलीगुड़ी ओके कोलकाता के रास्ते। 11:46 अच्छा यहाँ से एक बार देख लेता हूँ, सिलीगुड़ी 74, एनजेपी 79, बागडोगरा 84, पेलिंग 94, दार्जिलिंग 58, कालिंपोंग 34। ठीक है, सिलीगुड़ी 74 Wow, look at the size of these trees, कितना हाइट है। वो दूर से तीस्ता नदी बह रहा है, वो दूर से मतलब ये ट्रीज वाला एरिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद से तीस्ता नदी बह रहा है। एक्सेलेंट व्यू है, एक्सेलेंट। वाओ ये रास्ता देखो, पूरा जंगल के बीच में से कैसे जा रहा है, लेफ्ट साइड में एक पहाड़ है और राइट साइड में तीस्ता नदी है। लुक एट द व्यू ऑफ दिस रोड, ऑसम। मंडे आदित्य हॉर्नोब सोईकॉद, रिमेंबर दिस प्लेस, रिमेंबर दिस दुकान एंड रिमेंबर दिस रोड। याद है ये वाला रास्ता, अभी देखो पीच का बन गया है पूरा। दैट रोड कनेक्ट टू कालिंपोंग, मतलब यहाँ से कालिंपोंग का शॉर्टकट है। ऐसे भी तो टर्न हो रहा है कालिंपोंग की तरफ, लेकिन यहाँ से भी कालिंपोंग की तरफ जाया जा सकता है। हम लोगों ने एक बार कोशिश किया था, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज डेडली ऑफ रोड, पूरा बोल्डर्स के भरा हुआ था। तो हम लोग पिलियन के साथ राइड कर रहे थे तो वो चढ़ नहीं पाए थे, तो वापस आ गए थे, फिर इसी रास्ते से जाके घूम के कालिंपोंग गए थे। लेकिन अभी मैं, वो 2016 का टाइम था, लेकिन अभी मैं देखा कि वो पूरा पिच रोड बन गया है। एंड दिस इज दी तीस्ता ब्रिज। मैं जाते वक्त यहाँ नहीं रुका था, लेकिन आते वक्त तो रुकना मांगता है। दिस इज दी तीस्ता ब्रिज एंड दिस इज तीस्ता रिवर। यहाँ पानी कितना शांत लग रहा है, ऊपर एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। चलो अब आगे की तरफ निकलते हैं। ओके, सो यहाँ से तीस्ता नदी का एक सुंदर सा व्यू आ रहा है, तो मैं सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखो ऐसे ऐसे बेंड होके तीस्ता नदी आगे की तरफ जा रहा है, एक ऑसम सा व्यू आ रहा है तीस्ता नदी का।
एंड अनदर आयरन ब्रिज. आई थिंक दिस इज द लास्ट आयरन ब्रिज आई एम क्रॉसिंग. दिस इज द लास्ट ब्रिज दैट आई एम क्रॉसिंग. सेवक 6 सिलीगुड़ी 33. Okay, so reaching Sevok now, less than a kilometer left to Sevok most probably, and थोड़ा सा आगे जाके शायद मुझे Coronation Bridge दिखने लगेगा. Yes, that is the Coronation Bridge. I think कैमरे में अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्निंग लेते ही you will be able to see the Coronation Bridge. देखो ये देख लो Coronation Bridge. लेफ्ट लातागुड़ी सीधा बागडोगरा सिलीगुड़ी एनजेपी. चलो Coronation Bridge के वो साइड घूम के आते हैं. टू बागर कोट क्या हो गया. बस दिस इज द लास्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ माय एक्सट्रीम सिक्किम विंटर एक्सपीडिशन 2020 इन हिमालयस. दिस इज वन ऑफ द फेमस ब्रिजेस ऑफ हिमालयस Coronation Bridge. मैं आगे से कहीं से यू टर्न लेके वापस आ जाऊंगा. लोड लिमिट ऑन Coronation Bridge 10 टन. सो वापस देख लो. दिस इज द Coronation Bridge, वन ऑफ द फेमस ब्रिजेस इन हिमालयस. यहाँ से अच्छा दिख रहा है. ऑसम आर्किटेक्चर. चलो अब वापस चलते हैं टुवर्ड्स सिलीगुड़ी. बाय बाय हिमालयस, बाय बाय पहाड़. चलो अब कुछ ही देर में हम पहाड़ से नीचे उतर जाएंगे. मतलब आगे क्या कोई सिंगल लेन और डबल लेन ट्रैफिकिंग सिस्टम चल रहा है. मे भी हो सकता है, क्योंकि पूरा इधर ट्रैफिक था, उधर से गाड़ी आ रहा था कंटिन्यूअस. अब इधर गाड़ी जा रहा है, उधर से एक भी गाड़ी नहीं. इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक फ्लो रहता है ऊपर, पर्टिकुलरली इस रास्ते पे. टाइम नाउ इज 1:34 और मुझे कुछ खाना पड़ेगा, भूख लग गया है. दी ब्यूटीफुल तीस्ता रिवर, लेकिन नीचे आते ही पानी का कलर उतना ग्रीन नहीं रहा. ऐसा क्यों? पॉल्यूशन की वजह से? मतलब पहाड़ों पे या एटलीस्ट Coronation Bridge पे भी द कलर्स वेर ग्रीन. ग्रीन बोलो या ब्लू बोलो आई डोंट नो, बट कलर्स वेर रियली वाइब्रेंट एंड डिफरेंट. बट नीचे आते ही देखो इसका कलर कैसे फेडेड हो गया है. मतलब ऐसे जाना पड़ेगा. The traffic of Siliguri. Siliguri तो अभी तक पहुंचे भी नहीं और ट्रैफिक. ओह ये रेल गेट का जाम लगता है शायद, बट
अभी तो ट्रेन से उतना चल नहीं रहा है, तो रेल गेट का जाम नहीं, रेल गेट तो खुला है।